हेलो गाइस, मेरा नाम है विपेंद्र यादव। और लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कोरोना वायरस क्या होता है, कोविड-19 के बारे में हमने जाना था और उसके प्रिकॉशंस हमने देखे थे। बट इस वीडियो में हम देखेंगे कि सिम्टम्स क्या हैं कोरोना वायरस के, उसके लक्षण क्या हैं। उसके बाद हम जानेंगे कि जो सिचुएशन रिपोर्ट है जो कि WHO ने दी है, वो हम देखें कितने लोगों की जान जा चुकी है इस वायरस की वजह से, इंडिया के हाल देखेंगे, देन मोर्टेलिटी रेट भी हम देखेंगे, एंड फाइनली देखेंगे हम रूमर्स। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्लाइड, विच इज सिम्टम्स ऑफ कोरोना वायरस। तो गाइज, सबसे पहले होता है क्या कॉमन साइन ऑफ कोरोना वायरस इंक्लूड्स रेस्पिरेटरी सिम्टम्स, फीवर, कफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ एंड ब्रीथिंग डिफिकल्टीज। तो इसके लक्षण यही हैं कि आपको बुखार आ सकता है, कफ हो सकता है, सांस लेने में दिक्कत आ सकती है, एंड इन मोर सीवियर केसेस इन्फेक्शन कैन कॉज नमूनिया, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, किडनी फेलियर एंड इवन डेथ। सो इट कैन दिस वायरस कैन फाइनली कॉज डेथ ऑल्सो। सो ये चीज़ें हैं, इन चीज़ों को ये है लक्षण, इन चीज़ों को ध्यान रखिए। अगर ये कुछ आपके अंदर पाए जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि अब कोरोना वायरस है ही, बट होने के चांसेस हैं। तो अपना चेकअप करवाइए, आसपास के हॉस्पिटल में जाइए, डिस्पेंसरी में जाइए, वहाँ अपना चेकअप ज़रूर करवाइए। सो अगली स्लाइड हम देखते हैं कोविड-19 डिजीज सिचुएशन रिपोर्ट गिवन बाय WHO। तो ये रिपोर्ट जो है मैंने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट से ली है। अगर हम बात करें चाइना की, तो चाइना में सबसे ज़्यादा केसेस आए हैं कोरोना के, जो कि करीब 81,000 के आसपास हैं, और टोटल कंफर्म न्यू जो भी रिसेंटली नए केसेस आए हैं वो 126 हैं। टोटल जो डेथ हो गई है, इट्स ओवर 3,000 डेथ्स हो चुकी हैं, और जो रिसेंटली डेथ हुई हैं वो करीब 11 हुई हैं। एंड वी कैन सी दैट दिस ग्राफ, जापान में करीब 950 के आसपास टोटल केसेस कन्फर्म्ड हुए हैं। लेकिन अब जो है ये चाइना और जापान में केसेस कम हो रहे हैं और बढ़ रहे हैं यूरोपियन रीजन में। इट्स द न्यू हब कि जहाँ पे ये जो जो कोविड-19 है जो फैल रहा है वो अब ज़्यादा यूरोपियन कंट्रीज़ में फैल रहा है। अगर आप इटली की बात करें, इटली में करीब 41,000 केसेस हो चुके हैं, और जो इसमें टोटल डेथ था, अगर आप ये ध्यान से देखें तो ये करीब 3,400 के पास है, और जो अगर आप चाइना में देखोगे तो 3,200। तो सबसे ज़्यादा जो मृत्यु आज की डेट में हुई वो इटली में हुई है। अब ये डेटा चाइना का कितना सही है ये तो हम कह नहीं सकते, क्योंकि इट्स कम्युनल कंट्री है, वो कम्युनलिज्म है वहाँ पे। बट इटली की अगर हम बात करें तो वहाँ हम इस डेटा पे भरोसा किया जा सकता है। एंड देन फ्रांस, एंड ये चीज़ें हम देख सकते हैं। फाइनली अब एक काम करते हैं कि इंडिया में देखते हैं कि इंडिया में इसका क्या स्टेटस है। तो गाइज, ये है साउथ ईस्ट एशिया का स्टेटस। यहाँ पे अगर आप इंडिया की बात करें तो इंडिया में करीब 195 टोटल केसेस हुए हैं, जिसमें से जो टोटल डेथ्स हुई हैं वो हुई हैं 4। अभी तक जो इंडिया में जो डेथ्स जो डेटा आया है वो करीब 4 हुई हैं, और जो रिसेंट जो डेथ हुई है टोटल वो हुई है 1। सो ये डेटा है। नेपाल में अभी सबसे कम हुआ है, जितना भी केसेस नेपाल में सबसे कम केसेस अभी तक आए हैं। सो दिस इज़ गुड थिंग फॉर नेपाल। ओके फाइन, अब हम देखते हैं मोर्टेलिटी रेट बाय एज। देखो, कोरोना वायरस जो है किसी किसी सबके लिए खतरनाक है, लेकिन हम एज वाइज देखेंगे कितनी प्रोबेबिलिटी है कि अगर उस एज में आप हो और आपको कोरोना वायरस हो जाए तो आपकी जान बच सकती है। तो अगर आपकी एज 10 से 19 साल के बीच में है और अगर आपको कोरोना वायरस हो जाए तो 0.2% चांस है कि आपकी मृत्यु हो जाएगी, बाकी 99.8% चांस है कि आप बच जाओगे। तो लेकिन फिर भी 0.2% इज बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, तो आप इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो। सिमिलरली 20-29 के एज में अगर आप लोग हैं तो 0.2% है, 30-39 है तो 0.2, सिमिलरली 0.4 है। अब जैसे ही आप 50 के पार पहुंचते हैं तो आपका जो जो चांसेस है कि आपके इससे डेथ हो सकती है इस वायरस की वजह से, वो 1.3 पहुंच जाता है। एंड इफ़ यू आर 80+ तो चांसेस बहुत ही ज़्यादा सिवियर हो जाते हैं, करीब 14.8% तक पहुंच जाता है। और जनरली देखा भी गया है कि टिल जो डेथ्स हुई हैं वो करीब 50-70% तो उन्हीं की हैं जो अबव 80 एज हैं। बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आप इन रेंज में आते हैं तो इसका मतलब आप निश्चिंत होकर बैठ जाइए। नहीं, आपको प्रिकॉशंस तो लेने ही पड़ेंगे जो मैंने लास्ट स्लाइड में बताए हैं, तो प्लीज़ उनका फॉलो कीजिए ताकि आप अपने और अपने परिवार और साथ में पूरी मानव जाति की आप हेल्प कर सकते हैं, जो प्रिकॉशन मैंने बताए थे अगर वो करोगे तो। ओके फाइनली, एंड फाइनली हम देखते हैं रूमर्स। इस टाइम पे रूमर्स बहुत तेज़ी से फैलते हैं, चाहे वो व्हाट्सएप से हो, फेसबुक से हो,
प्लीज़ इन रूमर्स पे बिल्कुल ध्यान ना दीजिएगा। कोई कहेगा ये दवाई ले लो तो आपको कोरोना वायरस से कुछ नहीं होगा, आप कोई कहेगा कपूर रख लो घर में तो उससे ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। टिल डेट आज 21 है, 2103 तक ऐसी कोई वैक्सीन नहीं बनी है जो कि कोरोना वायरस को ख़त्म कर सके। इट्स इन प्रोसेस, और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये WHO खुद बोल रहा है। सो गाइस प्लीज़ इन जितने भी रूमर्स फैले जा रहे हैं व्हाट्सएप फेसबुक, इन पे बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिएगा। अगर आपको कुछ देखना है तो मैं ये लिंक प्रोवाइड मैं कर दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ जाइए, डायरेक्टली वीडियो दे रखी है WHO ने क्या क्या हमें करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो सब डिस्क्राइब कर रखा है। सो गाइस रूमर्स पे बिल्कुल ध्यान मत दीजिएगा। सो आई होप आपको चारों स्लाइड समझ में आई हूँ। सो फॉर नाउ आई वुड से टाटा एंड सायोनारा।